Inglorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Unacademy GATE CCH. I hope you are all well. Par confirm kar denge audio video agar clear hai to. Yes, please confirm once if audio video is clear. Aur agar audio tez to ya kam zyada kuch bhi problem hogi wo aap share kar sakte hain. To baatcheet ye hai ki hum log yahan par discussion kar rahe hain aur jo hamara discussion hai that is related to this aapka ki चैप्टर वाइज जो है हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं और अपकमिंग सैटरडे को फ्राइडे को दैट इज ऑन 10th of September वी विल डिस्कस अबाउट 50 क्वेश्चंस इन टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर दिस आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. यस, तो अभी हम लोग थ्योरी रिवाइज कर ले रहे हैं और वीकेंड पे आपको धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो आज की जो भी क्लास है हमारी that is related to this आपका principal stress chapter. More or less we can say it stress transformation, किस तरीके से stress को transform करते हैं, strain को transform करते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो formulas होते हैं वो आपको इसी chapter में मिलते हैं. formulas in हर जगह पे आपको मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, कठिन मिलते हैं, पर सबसे ज़्यादा formulas और उनका implementation ज़्यादा बार आपको इस्तेमाल, ज़्यादा तरीके से सवाल का formation वो यहीं पर आपको मिलता है. You will see that part here only. तो हम लोग ये सारा डिस्कशन करेंगे. आप लोग फटाफट से शेयर कर दें सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर पाए. यस, तो विल स्टार्ट हियर. हम लोग बातचीत करते हैं एंड विल स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज प्रांजल पांडे एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी पटना इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. पिछले 5 सालों से आपकी क्लास ले रहे हैं द फील्ड ऑफ GATE. अभी जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम 13th of September. तो आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 13
डू रिफर टू दैट बैच, आप उसको रिफर कर सकते हैं. यस, वी विल फिनिश ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए जो भी बातचीत है वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. आप यहाँ पर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके फ्री फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको आइकनिक की एक तो जो हमारा आइकनिक सब्सक्रिप्शन होता है उसको आप देख सकते हैं. यस, और आइकनिक में आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिल जाता है, फुल गाइडेंस. यस, आप अपने डाउट को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. पर्सनलाइज एक तरीके से आप बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं. एंड इन अन अकेडमी आज के डाउट सेशन आपके सारी चीज़ें आप रेफर कर सकते हैं. यस, हाई क्वालिटी वीडियो आपको मिलते हैं और कोई भी डाउट आप कभी पूछ सकते हैं. हर तरीके से आपको हेल्प की जाती है. न्यू बैचेज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8th of September. तो आपके नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 8th of September से. और इसमें आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वी आर स्टार्टिंग विद दिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं. और टारगेट आपका जो बैच है टारगेट ESC प्रीलिम्स, उसमें आपका ICT. यस, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. दैट बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट. प्लस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस, अभी 4th क्लासेज या डॉट क्लियरिंग क्लास, हर हफ्ते आपको टेस्ट होता है. आइकनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशंस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो इन सब पे आप फोकस कर सकते हैं. आपको प्लस में है ना आपके जो है डिफरेंट आपके प्लान्स अवेलेबल हैं. यू कैन रिफर टू दिस. यस, कोड आप रिफर कर सकते हैं GOPP. आप यहाँ पर और आइकनिक में भी इसी तरीके से बातचीत हो जाती है. यू कैन रिफर टू दिस कोड GOPP. इफ यू अप्लाई दिस यू विल गेट 10% डिस्काउंट. तो ये हमारी कहानी अभी तक की, हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं. या फिर पेड़े सर, ऐप में फ्री टेस्ट सीरीज है? यस ऑफकोर्स, फ्री टेस्ट सीरीज अभी बार की आई थी. तो अलग अलग एग्जाम की पर्टिकुलर फ्री टेस्ट सीरीज आती रहती है. प्लस में भी टेस्ट सीरीज रहती है. इवन फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए सीरीज चला देते हैं. जैसे कि मैं अभी आपके लिए जियोटेक, सोम, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर्स, इनकी मिला जुला करके क्वेश्चन, जैसे जैसे एग्जामिनेशन का टाइम आता जाता है उस तरीके से बातचीत होती रहती है. यस, पेड भी है, कुछ अलग अलग तरीके से. अब आप डिफरेंसेज अगर पूछेंगे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ. तो जब आपको लगेगा ऐसा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उस सेशन में आपको डिफरेंस भी बता दूँगा. अभी के लिए हम लोग आज अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है, रिवाइज हमें ज़्यादा करना रहता है. सबसे पहले प्रिंसिपल इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक पॉइंट होता है जो कि मेजर हमको समझना होता है. यस, व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस. होता क्या है, कोई बीम है. इफ देयर इज अ बीम, बीम में हमको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम मिलता है. दिस इज द बीम, अगर ये बीम है, ध्यान से देखेंगे आवाज मेरी आपके तक पहुंच पा रही है. यस, गला मेरा इस समय तक थोड़ा सा बैठ जाता है, बट फिर भी इफ देयर इज प्रॉब्लम इन दिस वॉइस आई कैन लाइक इंक्रीज द लेवल. तो अगर हम लोग बातचीत करें, यहाँ पर लोड लगाएंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट का कुछ डायग्राम बनेगा. यस, इट विल बी लाइक दिस. तो इसका शीयर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस का डायग्राम है वो कुछ बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम ऐसा बन, एक तरफ आपका कंप्रेसिव, एक तरफ आपका टेंसाइल, एंड वैल्यूज विल बी लाइक दिस. इस तरीके से आपकी वैल्यूज, ओके, आपको दिख नहीं रहा है सर कुछ. नाउ इज इट फाइन. तो एक आपके पास बीम है, बीम में आपको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ऐसा मिला, पॉइंट लोड लगा हुआ है. पॉइंट लोड में आपको ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसको मिला. अगर ये W है, यस इफ दिस वन इज W, तो ये जो आपको मिलेगा दैट विल बी WL/4. तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर दैट विल बी WL/4. यहाँ पर स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस. यहाँ पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा और इधर आपको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा. हियर यू विल सी दिस टेंसाइल स्ट्रेस. यहाँ पे एक तरफ आपको कंप्रेसिव मिल रहा है, एक तरफ टेंसाइल. वैसे ही आपको शीयर भी मिलेगा. आपको पता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम एट दिस एंड पॉइंट्स और शीयर इज मैक्सिमम एट दिस न्यूट्रल एक्सिस. यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलता है. यस, तो जो मटेरियल में फेलियर होना चाहिए, जो मटेरियल में फेलियर होना चाहिए, तो टेंसाइल में जो, जैसे कि जो मतलब बेंड कंप्रेसिव टेंसाइल फेलियर इन पॉइंट्स से हो सकता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से, और शीयर का फेलियर इस पॉइंट पे होना चाहिए. यस, बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम लोग एक आई सेक्शन की बातचीत करें, आई सेक्शन की, बड़े ध्यान से देखिएगा. तो अगर ये सेक्शन जो हमने बना रखा है ये एक आई सेक्शन का पार्ट होता, तो अगर ये आई सेक्शन का एक पार्ट होता तो इस आई सेक्शन में भी सेम डायग्राम बनता, जैसे ऊपर बना रखे वैसे सेम बनता. एंड मतलब बीम के टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पर
आपका बेंडिंग एंड कंप्रेशन, आप मतलब कंप्रेशन एंड टेंशन आता बेंडिंग की वजह से, और मिडिल मोस्ट पॉइंट पर आपको शियर आ रहा होता, तो या तो यहां से फेलियर हो सकता था या तो यहां से सकता था या फिर सेंटर से, इनमें से किसी पॉइंट पर फेलियर होना चाहिए था। मैक्सिमम कंप्रेसिव, मैक्सिमम टेंसाइल, मैक्सिमम शियर। अगर कंप्रेशन में वीक है तो ऊपर से हो जाएगा, टेंशन में वीक है तो नीचे से हो जाएगा, नहीं तो शियर में फेलियर हो जाएगा। बट एक्चुअल बात यह है कि फेलियर में ऑल्सो टेक एट सम मिड पॉइंट, कहीं बीच, मतलब मिड पॉइंट मतलब एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट। फेलियर जो हमारा है दैट कैन टेक प्लेस एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, जहां पर ना ही हमारा बेंडिंग मैक्सिमम है, yes? इस जगह पर ना ही बेंडिंग मैक्सिमम है ना ही शियर मैक्सिमम है, दोनों की ही वैल्यू ज्यादा नहीं है, दोनों की ही वैल्यू ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद ये हमारा फेलियर यहाँ पर हो गया है। ये फेलियर यहाँ पर क्यों हुआ है ये समझने के लिए, यही पार्ट हमको यहाँ पर समझने के लिए हम लोग जो बातचीत करते हैं वो इसकी करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। यस, यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं इतने में। यस, चलिए तो अगर आगे हम लोग यहाँ पर बातचीत करें और इसमें डिस्कशन करें हमारा, तो अगला जो पार्ट इसमें होता है जिसको हम लोगों को फोकस करना होता है वो क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर देखने वाला पार्ट है वो ये है कि कैसे हम लोग इनके बारे में निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, बस ये सारी बातचीत हम लोगों को यहाँ पर करनी होती है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें और डिस्कशन करें प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल प्लेन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रिंसिपल प्लेन का मतलब है वो प्लेन जहां पर शियर स्ट्रेस हमारा कैसा हो, जीरो, द प्लेन एट विच वी हैव जीरो शियर स्ट्रेस वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको जीरो मिले, ओके डन। दूसरा हमारा बोलता है इन प्लेन पर, वही प्रिंसिपल प्लेन जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, उस जगह पर लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहां पर शियर जीरो है, उस जगह पर लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, उस जगह पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट वी रिफर टू इट एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। यस, अगर इसी में और बातचीत करें, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट वी हैव इनफाइनाइट प्लेन्स विच कैन पास, इनफाइनाइट प्लेन्स हमारे पास कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो जब एक किसी पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकते हैं, जब एक किसी पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स हमारे पास कर सकते हैं और इनफाइनाइट प्लेन्स में हर प्लेन पर अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस और अलग अलग शियर स्ट्रेस आपको मिले, एवरी प्लेन विल हैव डिफरेंट वैल्यू। सर अगेन रिपीट प्लीज विच पॉइंट, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका एक पॉइंट है उस पॉइंट में से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते, उनमें से कोई प्लेन ऐसा होगा जिसमें शियर की वैल्यू जीरो होगी, on in all those infinite planes if you have zero shear stress then that plane will be referred as principal plane, us plane ko hum log bolte hain principal plane। bade dhyan se dekhiye, ek point par infinite planes, un infinite planes mein kuch aise plane honge jisme ki hamara value hogi zero, theek hai। ab aage baat chit kariye, jahan par value zero hogi us plane ko bolte hain principal plane, उस प्रिंसिपल प्लेन पे शियर जीरो है, कुछ ना कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल जो स्ट्रेस लग रहे होंगे उनको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन पर शियर जीरो है और नॉर्मल स्ट्रेस लगने वाले प्लेन को, तो इस तरीके से इसका पॉइंट ऐसे देखो कि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स में से, यस, हम लोगों ने कुछ पॉइंट दो प्लेन बातचीत करी, मान लीजिए ऐसे दो प्लेन आए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इन प्लेन पर शियर नहीं है, शियर इज जीरो, ये जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल में भी टेंसाइल, नॉर्मल में भी कंप्रेसिव, हमें मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, इट में भी कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, तो इफ दीज आर, अगर यहां पर टाउ की वैल्यू जीरो है देन दिस विल बी रिफर्ड एज प्रिंसिपल प्लेन, और अगर ये प्रिंसिपल प्लेन है तो दिस विल बी व्हाट, अब ये नॉर्मल है तो दिस नॉर्मल स्ट्रेस, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज द पार्ट। यस सर, फर्स्ट ईयर दिस अक्टूबर, किस मैकेनिक, सिविल मैकेनिक्स,
सिविल मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, बस दो तीन, बस सर्वे, ये सब आपके सेमेस्टर में रहता है, इन सबको पढ़िए, जो सेमेस्टर में है उसी को पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये जो प्रिंसिपल प्लेन आपने देखे, 3D में आपको 3 मिल जाएंगे, यहां पर भी आपको 2D की बातचीत करते हैं तो 2 मिल जाते हैं, इस तरीके की बातचीत यहां पर हो जाती है। यस, अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें और फोकस करें, तो सबसे पहली बात तो ये है इसमें समझने वाली कि एक में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और एक में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सो इन वन वी विल गेट मैक्सिमम स्ट्रेस, इन सेकेंड वन वी विल गेट मिनिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको यहां पर मिल जाती है, सीधी सी बात है ना, एक में मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, एक में आपको मिनिमम मिल जाती है। तो मैक्सिमम वाले को बोलते हैं मेजर शियर स्ट्रेस और मिनिमम वाले को बोलते हैं माइनर शियर स्ट्रेस। मेजर शियर स्ट्रेस एंड माइनर शियर स्ट्रेस, दिस इज द पार्ट, इस तरीके से हमारी बातचीत हो जाती है। यस, तो हम लोग अगर बातचीत करें, आउट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन्स जनरली वी हैव 3 प्लेन्स जिसमें हमारा, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जिसमें शियर जीरो होता है। जनरली हमारे 3 प्लेन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा शियर की वैल्यू जीरो होती है, जनरली, इन जनरल वी हैव दीज 3 प्लेन्स जहां पर हमारी ऐसी बातचीत हो रही होती है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग बातचीत यहां पर और करें और फोकस करें यहां पर कि आगे का डिस्कशन क्या है, तो सबसे पहली बात, वो जो इनफाइनाइट प्लेन्स में 3 प्लेन ऐसे जहां पर हमारा शियर जीरो हो रहा है, वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। उन पर लगने वाले स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। उसमें से एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। तो वन विल बी मैक्सिमम, वन विल बी मिनिमम, ये हमारे स्ट्रेसेस होते हैं, दीज आर द पार्ट। यस, तो उसमें से अगर जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ये हमारा पार्ट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ध्यान दे देते हैं, इस तरीके से हमारी बातचीत यहाँ पर हो जाती है। क्लियर है? यहाँ अगर कोई भी डाउट हो तो बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स यहाँ पर तो बताइए। एनी डाउट्स यहां तक में? कोई डाउट? ऑल क्लियर, ठीक है। तो इसमें से एक देखिए पॉइंट हमने आपको बीच में ये था कि जो डिजाइनर होता है वो हमेशा ये जानना चाहता है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का कितना है। यस, ताकि डिजाइन कर, हम नहीं चाहते हैं कि फेलियर हो, हम नहीं चाहते हैं कि फेलियर हो। तो हमने बोला कि वो मैक्सिमम प्लेन, मैक्सिमम कौन सा प्लेन होगा वहां पे आपको, और ऐसे करके मैक्सिमम शियर भी निकाल लेते हैं। सारी चीजें हम लोगों में यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इतनी बात अभी में। लेकिन एक पॉइंट आप क्लियर नहीं कर पाए हो कि फेलियर कहीं बीच में कैसे हो जाएगा। यस, तो बोले फेलियर वहां पर ऐसे हो जाएगा कि बोले वहां पर नेट, आपको सॉइल में मैंने ये बात बताई दी है, सॉइल में जब मैंने बताया होगा तो मैंने बताया है कि फेलियर सीएसटर में उस प्लेन से फेलियर हो जाएगा जहां पर रिजल्टेंट हमारा जो है नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन से मैक्सिमम इक्वेशन पर रहेगा। बीटा मैक्स, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये कॉन्सेप्ट वहां पर दे चुके हैं, और वहां पर दे चुके मतलब वहां पहले नहीं पढ़ते, पहले यहां पढ़ते हैं वहां जाते हैं, पर अभी रिसेंटली उसमें पढ़ाया, कोई बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये समझने वाला है कि फेलियर कहीं और से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल प्लेन पे ही हो या फिर मैक्सिमम शियर पे ही हो, फेलियर कहीं और प्लेन से भी हो सकता है। वही इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर प्लेन पर स्ट्रेस कितना आ रहा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। भाई आपको एक बार पता पड़ा, इसे अभी तक में क्या पता पड़ा कि किसी प्लेन पर स्ट्रेस होगा, हमें पता था, हमने अब ये निकाल लिया कि भाई मेजर और सबसे ज्यादा और सबसे कम स्ट्रेस कौन से हो सकते हैं, ये हमने निकालना सीख लिया। ऐसे ही आगे चल के हमने सीख लेंगे कि सबसे ज्यादा शियर की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये निकालना सीख लिया। उनकी मदद से हम चाहते हैं किसी भी प्लेन पे, हम चाहते हैं एट एनी प्लेन वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट स्ट्रेस, किसी भी प्लेन पर हमें स्ट्रेस निकाल लेना होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहां पर इक्वेशंस लिखते हैं, और मैं इक्वेशन अभी, क्योंकि रिवीजन क्लास में हम लोग इक्वेशन को प्रूफ करने की बातचीत नहीं करते, है ना, रिवीजन क्लास में हम लोग इक्वेशन को प्रूफ करने की बातचीत नहीं करते हैं, हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से इक्वेशन में बातचीत कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं और सारा डिस्कशन हमारा हो जाएगा। तो हमने यहां पर देख रखा है सर, तब तो इनफाइनाइट प्लेन है, हाँ इनफाइनाइट प्लेन है, बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट प्लेन है। उनमें से 3 ऐसे प्लेन है जिसमें हमारा शियर जीरो है, शियर जीरो है, तो उसमें नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल या मैक्सिमम आपका मिनिमम नॉर्मल है, और कुछ ऐसा प्लेन होगा जहां पर शियर मैक्सिमम होगा वो भी प्लेन होगा। नाउ वी हैव इनफाइनाइट प्लेन्स, उनमें से हर प्लेन पर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं। अब आपका डाउट क्या है कि सर आप एक इक्वेशन दोगे तो क्या हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंगल रखेंगे?
सर आप अगर एक प्लेन दोगे तो क्या हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पर अलग अलग स्ट्रेस निकाल करके हम चेक कर पाएंगे? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर मोर सर्कल से मिलेगा। अभी हम लोग एक इक्वेशन निकाल लेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्लेन पे हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो वो स्ट्रेस हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन आपका डाउट बिल्कुल सही है कि इनफाइनाइट प्लेन्स है सर, तो हर एक प्लेन पे स्ट्रेस हम निकालने में असमर्थ है। कितने प्लेन पे निकालेंगे? तो उसके लिए मोर सर्कल है। वो ग्राफिकली उन्होंने दिखा दिया कि ग्राफ बना लोगे आप तो आपको हर प्लेन पे स्ट्रेस ऐसे काउंट तो चला जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द पॉइंट हियर। यस, तो यहां पर देखिए आपका यहां पर एक मान लीजिए सिग्मा एक्स लग रहा है, एक सिग्मा वाई लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक यहां पर आपको सिग्मा, और ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई। सिग्मा प्रिंसिपल प्लेन को वन और टू से दिखाता हूं मैं। जब भी मैं दिखाऊंगा प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैं वन और टू से, यहां पर टाउ भी लग रहा है। कुल मिला के मेरा यह कहने का मतलब है हियर वी हैव टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो यहां पर टाउ की भी वैल्यू लग रही है, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर पर। ठीक है, अब इसकी मैं किसी भी प्लेन पे अगर आपको स्ट्रेस निकालना है जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा एट एनी एंगल, तो हम लोग उसकी इक्वेशन पूरी डिराइव कर लेते हैं। कोई ऐसा खास कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्ट्रेस को पहले फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिग्मा वाई है उसको पूरे को एरिया कुछ मान करके कन्वर्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम पे लगाते हैं। ये जो प्लेन है इस प्लेन को देखो, प्लेन का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये 3D डायग्राम तक उन्होंने कन्वर्ट करा, ये प्लेन हमारा थीटा एंगल पर है। दिस प्लेन एट विच वी आर फाइंडिंग आउट स्ट्रेस वैल्यू, जिस प्लेन पर हम स्ट्रेस की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वो थीटा एंगल पे है, जिसको कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है फ्रॉम वर्टिकल। बड़े ध्यान से देखेंगे तो थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ द प्लेन, एंगल ऑफ द प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये प्लेन, दैट इज द पॉइंट। क्लियर, ये हमको याद रखना है। अच्छा, कुछ लोग इक्वेशन अलग तरीके से भी डिराइव कर लेते हैं, कुछ लोग ये वाला थीटा लेके कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं। जो हम लोग एक बार पढ़ते हैं, जो इक्वेशन हम लोग एक बार याद करते हैं, उससे हमें ध्यान देना होता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हमने जो है पढ़ा है और ये इक्वेशन हमें याद करते हैं। तो जिन लोगों को इक्वेशन पता होगी, तो जिस प्लेन, इस प्लेन पे हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं, दिस इज थीटा, यहां पर सिग्मा एक्स लग रहा है, यहां पर सिग्मा वाई लग रहा है, यहां पर टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स सेम होता है, तो वो चाहे आप ऐसे लिखो टाउ एक्स वाई यहां से यहां तक का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग सीधा सीधा बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम लोग यहां पर फोकस करेंगे, अगर हम लोग आगे इसमें यहां पर ध्यान देंगे, तो सबसे पहला बात, सबसे पहला इस प्लेन पे लगने वाले सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा आपका नॉर्मल, सिग्मा एक्स डैश बोल देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी प्लेन जो कि थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, और इस पर लगने वाले टाउ को हम लोग बोल देते हैं टाउ एक्स वाई डैश। इस तरीके से हम लोग इसको रिफर कर सकते हैं ऐसे। तो सिग्मा एक्स डैश की इक्वेशन और टाउ एक्स वाई डैश की इक्वेशन हमें याद करनी होगी। सिग्मा एक्स डैश की इक्वेशन क्या होगी और टाउ एक्स वाई की इक्वेशन क्या होगी, ये हमें यहां पर याद करना होगा। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से जो आपने अच्छे से याद करनी है वो आप याद करिए। यस, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व थोड़ा सा करने में दिक्कत आती है जब आप कंप्यूटर में डाल रहे होते हो, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लगा दो तो स्क्वायर रूट ब्रैकेट लगा लगा के डालना पड़ता है। दूसरी वाली इक्वेशन आपको आसानी से जो है समझ में आ जाती है। दोनों ही इक्वेशन को हम लोग देख लें। यस, तो पहले हम लोग पहली वाली इक्वेशन देखते हैं। तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, दिस इज द टर्म। ये हमारा किसी भी प्लेन पर आपको सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, उसकी मदद से आप किसी भी एंगल थीटा पर आंसर निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट प्लेन्स पे निकाल सकते हैं, हाँ, आप अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ और आपकी वैल्यू यहां पर फाइंड हो जाएगी, दैट इज अ पार्ट। बोले ठीक है, अब अगर आगे इसमें और ध्यान दें तो इसकी दूसरी, इसी इक्वेशन को आप क्या करो, कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा को कॉस टू थीटा के टर्म्स में लिख लो। इसको किससे लिख लो, कॉस टू थीटा के टर्म्स में।
तो आप यहाँ पर जब इसको लिखना चाहोगे तो क्या होगा, एक वन वन के एक तो भाई एक और कैसे लिखोगे, तो एक होगा वन माइनस कॉस टू थीटा, एक कॉस टू थीटा माइनस वन, तो वो दोनों टर्म्स हमारे जब एड अप होंगे तो यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, एक तो ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा प्लस सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा। तो अब जो टू थीटा को लिखना आसान होता है भाई ब्रैकेट में, एक बार में टू थीटा लिख गया, स्क्वायर करने में दिक्कत होती तो अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं जैसे आपको लगेगा, प्लस टाउ एक्स वाई, तो आपको पता ही टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम बोलते हैं साइन टू थीटा। तो कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के चेंजेस हैं और इसमें ऐसी कोई बात जो है यहाँ पर नहीं है जो कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यस वेरी क्लियर है, यहाँ पर मैं कोई डाउट नहीं होगा आपको। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसमें देखिए टाउ एक्स वाई की भी इक्वेशन लिखते हैं। तो टाउ एक्स वाई की जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि एक तो पहले हम लोग नॉर्मल अपनी इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं वाली लिख लेते हैं, यहां पर होता है वो सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप चाहते हो इसको टू करना तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो वाला पार्ट हम इसके बाद वाले में लिख लेते हैं। यहां पर क्या है टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये टर्म्स आते हैं निकल करके, इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिकली जब सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो ये देखिए यहाँ पे बाई टू और अप्लाई वो करोगे तो आपको आ जाएगा सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा एक्स साइन टू थीटा, टू से मल्टीप्लाई करा टू से डिवाइड कर दिया ये प्लस यहां तो अपने आप ही कॉस थीटा। तो ये इक्वेशंस है जो कि हमें याद करनी होती, वी कैन रिफर टू दिस इक्वेशंस, इनको हम रिफर कर सकते हैं किसी भी प्लेन पर स्ट्रेस निकालने। यस एट एनी प्लेन वी कैन फाइंड आउट स्ट्रेस फील्ड, किसी भी प्लेन पर हम स्ट्रेस निकाल सकते, दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, इनकी इक्वेशन हमको यहां पर फोकस करनी होगी सिंपली, ठीक है एट एनी प्लेन। अब आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हमको यहां पर मिलते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग कोई भी बातचीत यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमसे ये पूछता है कि आपका प्रिंसिपल प्लेन अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यस अगला जो फॉर्मूला होता है यही, इसमें क्या करिए आप कि प्रिंसिपल प्लेन निकालने के लिए आप इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, डी सिग्मा वाई डी थीटा कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए तो हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं यहाँ पर वो निकल करके आती है टेन टू थीटा पी, मतलब प्रिंसिपल प्लेन की इक्वेशन, और थीटा पी कहां से होगा ये बात तय है, थीटा पी कहां से होगा वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा पी विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, सिंपली ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना। इसके बराबर आएगा दिस विल बी टाउ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई, ये कॉन्सेप्ट होता है टाउ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई, ठीक है अपॉन में टू हो जाता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होता है, तो मिला ये आप ऐसे याद रखिए। और जो टाउ मैक्स वाला प्लेन होता है वो इससे 45 डिग्री पे होता है, मतलब कुल मिला के एंगल बाइसेक्टर होता है, हम लोग यहां पर लिख देते हैं टाउ मैक्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, ध्यान देखिएगा एंगल बाइसेक्टर होता है प्रिंसिपल प्लेन का। बोले सर ऐसा कैसे, बाइसेक्टर प्रिंसिपल प्लेन का, भाई प्रिंसिपल प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं और ये हमारा 45 डिग्री पे होता है इनसे, तो इधर से भी सेम इधर से भी सेम, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो एंगल बाइसेक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा माइनस वन, जो जब सॉल्व करोगे तो टेन टू थीटा मैक्स भी आप ऐसे देख सकते हो, तो उसका रेसिप्रोकल करके उल्टा कर दो साइन, तो सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा एक्स बाई टू और इस पूरे के अपॉन में टाउ एक्स वाई। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं, अगर हमें फॉर्मूलेज याद है तो फिर धीरे धीरे हम लोग बाकी सारी चीजें भी सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यस वी कैन रिफर टू ऑल अदर पॉइंट्स, बाकी सारे पॉइंट्स पे भी हम लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, देयर इज अ पार्ट हियर सिंपल एज लाइक बिल्कुल एकदम सिंपल सोबर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। शेयर प्लेन पे अब इसके प्रूफ होते हैं, हर एक का प्रूफ होता है, शेयर प्रिंसिपल प्लेन पर नहीं लगती है, तो आप क्या करिए देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, आप सबसे पहले क्या करिए प्रिंसिपल प्लेन की जगह पे है आपने ये निकाला, प्रिंसिपल प्लेन की जगह पे ये कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, इसको डिफरेंशिएट करिए जीरो से बराबर करिए, यहां से थीटा की वैल्यू निकलेगी ये निकाला है, अब इस वैल्यू को आप यहां पे रखिए टाउ मैक्स में थीटा में, इसके जीरो कट करके आ जाएगी, ऐसा करेंगे आ जाएगी। यस
इफ यू बाय टैन थीटा की वैल्यू पता है साइन कॉस निकाल सकते हो ट्रायंगुलर वाले फॉर्मूले से, यहां से कर लेना सॉल्व सीधे सीधे आ जाएगा, आप देख भी पा रहे हो भाई ये टैन का मतलब ये आपको परपेंडिकुलर पता है ये बेस पता है, हाइपोटेन्यूज यहां से निकाल लो इनको रखोगे तो दोनों में मल्टी प्रोडक्ट सेम आ जाएगा, बस माइनस का साइन कट जाएगा फटाफट, एक में ये आएगा एक में प्रोडक्ट आएगा सेम और कट जाएगा, स्वैप करके देखेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। बस खाली आपको चीजें यहाँ पर याद रखनी है जो भी हमारी है मतलब की चीजें वो आपको यहाँ पर फोकस करें ठीक है। तो शेयर पे कोई हमारा कुछ नहीं लगता है, ये वगैरह वगैरह की बातें, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन हम लोगों ने देख ली है, ये कुछ फॉर्मूलेस हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, तो टाउ मैक्स जो होता है वो हमारा सिग्मा पी वन प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस में सिग्मा पी टू बाई टू, यस इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दोनों वैल्यूज हमारे पास है। अच्छा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के भी फॉर्मूले हम लोग याद कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, जो हमसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है टाउ मैक्स का फॉर्मूला कितना होगा, लोकेशन वगैरह निकाल ली, इनकी डायरेक्ट वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है कि व्हाट विल बी द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बातचीत करें अगर तो सिग्मा पी वन और सिग्मा पी टू दो वैल्यूज मिलेंगी हमको, एक होगी मेजर एक होगी माइनर, कैसे लिखते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, प्लस कर दो इसमें और माइनस कर दो, प्लस करोगे तो मेजर मिलेगा माइनस करोगे तो माइनर मिलेगा, वन बाई टू ऑफ सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, टू गायब कर देता हूं, सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्लस फोर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पर एकदम हिंदी में इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। और टाउ मैक्स निकालने के लिए आप इन दोनों का माइनस कर सकते हो, जो कि हमारा माइनस करोगे तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, ये प्लस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा, बाई टू करोगे तो यहाँ पे बाई टू अपने आप आ जाएगा और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सीधे सीधे मिल जाएगा सेम वैल्यू, सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो आप धीरे 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 करके फॉर्मूले एक पूरी इसकी शीट बनाओ, इसकी पूरी एक शीट होनी चाहिए आपके पास फॉर्मूलेस की, जहां पर आप सारे इसके फॉर्मूलेस लिख पाओ सही से, यस आप सारे के सारे फॉर्मूले जब इसके लिख लेते हो तो आपकी बात यहां पर बन जाती है, तो फिर सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो जाती हैं, कहीं पर भी कोई डाउट यहां पर नहीं आता, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। अब देखिए फोकस करिए, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का पार्ट हो गया, सारी चीजें आपने निकाल ली, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं मोड सर्कल, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है यहां पर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं मोड सर्कल, कैसे पहली बात तो मोर सर्कल है क्या, तो आप फिर से आ जाइए कॉन्सेप्ट यहां पर, मैं कोई डाउट तो फॉर्मूले आप जो है आप सारे लिखिए एक पेज, इसके भी पेज में एक पेज में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और इसकी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, चलिए तो वी हैव इनफाइनाइट प्लेन्स, हमारे पास एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर रहे हैं, वी हैव इनफाइनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर रहे हैं। अब किसी प्लेन से अगर इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हर प्लेन पर सिग्मा रहेगा और टाउ रहेगा, हर प्लेन पर रहेगा, तो मोर सर्कल ने क्या बोला, मोर साहब ने कि एक सर्कल होगा जिसको की बनाया जाएगा, एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रही होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी आपका सिग्मा और वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रही होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी टाउ, ऐसा नहीं कि ये हवा में बात करी, पूरा प्रूफ होता है इसका, इसकी रेडियस कितनी होगी इसका भी प्रूफ होता है, तो इसकी रेडियस होगी टाउ मैक्स के बराबर, देखिए टाउ यहां पर कहां से जाएगा ये सेंटर है तो मैक्सिमम वैल्यू इसी के बराबर जाएगा, तो अपने आप क्लियर हो जाता है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, और ऐसा नहीं कि अपने मन से मैं बता रहा हूं, वहां पर निकल करके यही आती है 1 बाई टू अंडर रूट टाउ मैक्स की वैल्यू पीछे लिख चुके हो आप, सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये अपने आप से नहीं बता रहे, ये आ ही रही है, इतनी ही आ रही है, ठीक है। अगर हम लोग बातचीत करें यहां पर तो इसमें ये जो इन मोर सर्कल में प्लेन्स नहीं रिप्रेजेंट होते हैं, दीज आर नॉट दी प्लेन्स, पहली बात ये मैं क्लियर कर रहा हूं, ये सेंटर से जो लाइन जा रही है वो प्लेन नहीं रिप्रेजेंट करता, प्लेन रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर पॉइंट पर आपको शियर और नॉर्मल की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट पे खड़े हो, यहां पर शियर की वैल्यू ये है यहां से यहां तक, और टाउ की वैल्यू ये है, तो सॉरी टाउ की वैल्यू आपको ये मिल रही है वर्टिकल वाली, और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपको यहां से यहां तक मिल रही है। तो कुल मिला के एट एवरी पॉइंट यू विल गेट सिग्मा एंड टाउ, वो हमारे इनफाइनाइट प्लेन्स विल रिप्रेजेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द मोर सर्कल। मोर सर्कल पे आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसकी रेडियस आपको क्लियर है। उसी तरह से आप प्रिंसिपल प्लेन निकाल सकते हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हो, मोर सर्कल की सारी बातचीत आप यहां पर कर सकते हो। यस, फॉर मोर सर्कल हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया मोर सर्कल में इसका, जैसे कि ये है तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सिग्मा थ्री हो जाता है मिनिमम, ये हो जाता है सिग्मा पी वन पी टू बोलते हैं ना, ये पी वन हो जाता है मेजर, ये हो जाता है पी टू, ऐसे कर देता हूं। यस, हर एक पॉइंट इज इक्वल टू हर एक प्लेन कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एन एंड टाउ, सिग्मा एन एंड टाउ, टाउ का मतलब है उस पे शियर, एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एन इस रिवर, ये हो गया सिग्मा पी टू, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ध्यान से देखिए सेंटर पॉइंट। और मैं आपको इसको निकलवा के दिखाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर समझा देता हूं और पीछे भी आपको काम आता है। होता क्या है कि किसी भी आप दो प्लेन को लीजिए, स्ट्रेस इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनवेरिएंट, स्ट्रेस इनवेरिएंट। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेस इनवेरिएंट बोलता है टू परपेंडिकुलर प्लेन्स ले लीजिए, यस, उनके स्ट्रेस का समेशन का एवरेज हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, दैट विल बी कॉन्स्टेंट ऑलवेज। ये देखा गया, पाया गया, मोर सर्कल में ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अच्छा, मोर सर्कल बनाते समय ये आप समझ गए कि हर एक पॉइंट एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पॉइंट एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाउ मैक्स प्लेन कौन सा होगा, बोले ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ मैक्स प्लेन। क्यों? क्योंकि टाउ मैक्स प्लेन पर क्या, टाउ मैक्स प्लेन पर शियर जीरो होता है, टाउ मैक्स प्लेन पर क्या नॉर्मल से जीरो होता है, कहीं ऐसा बोला है क्या? नहीं, हमने ये तो नहीं बोला है, हमने ये कभी नहीं बोला है कि टाउ मैक्स प्लेन पर नॉर्मल जीरो होगा। हाँ, हमने ये बोला है कि प्रिंसिपल प्लेन जो होगा वहां पर शियर जीरो होगा, ये हमने बोला है। अच्छा, दूसरा यहां पर होता है कोई भी पॉइंट है, यस, मान लीजिए पॉइंट ये प्लेन नहीं है, पॉइंट ये है, ये हमारा कितने डिग्री एंगल पे है यहां से बताना, प्रिंसिपल प्लेन से, प्रिंसिपल प्लेन से टाउमैक्स वाला प्लेन कितने डिग्री एंगल पे है? अब ये दूरी और ये एंगल सोनो सेम ही आएगा, कितना एंगल है 90 डिग्री, ये सोनो। एक बच्चे को डाउट आ गया, एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को भी डाउट आया, बोले एक प्लेन सर ये है, एक प्लेन ये है, आपने वहां पर बोला कि प्रिंसिपल प्लेन मिल रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है ही नहीं, यस। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा हो जाता है, वो ये है कि प्रिंसिपल यहां पर जो एनालिटिकल मेथड में थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता था, वो यहां पर टू थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई टू थीटा, यस। जो यहां पर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता था उसको हम लोग यहां पर टू थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस प्लेन प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता था 90, यहां पे कितना है 180, यस। तो वी कैन राइट हियर थीटा इन एनालिटिकल मेथड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू थीटा इन मोर्स मेथड। तो मोर्स मेथड में वो आपको टू थीटा से दिखा, ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया भी था, क्या बताया था कि प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर आएगा, बताया था कि नहीं बताया था, एंगल बायसेक्टर हो जाता है, पीछे बताया अभी, यहां पर देखिए एंगल बायसेक्टर ही तो है, 45 डिग्री को कितने से रिप्रेजेंट करोगे 90 से, तो यहां पर देखिए टर्म मैक्स प्लेन यहां से 90 डिग्री पे है, एकदम सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है, यस और नो? कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर सीखते हैं, है ना। दो पर अच्छा टाउ मैक्स प्लेन पर देखिए, टाउ मैक्स प्लेन की जो अपोजिट प्लेन है उन पर शियर दोनों पर समेशन करोगे, दोनों सेम स्ट्रेस होते हैं, ये बात भी जाना है। टाउ मैक्स प्लेन पर जीरो नहीं होता है, टाउ मैक्स प्लेन जो हमारे दो होंगे भाई, दो प्रिंसिपल प्लेन तो निकलेंगे ना,
ये लास्ट वाला रिपीट मतलब मैं ये रिप्रेजेंट बोल रहा हूँ ना, ये देखिए लास्ट में मैंने ये बात सुनना है कि जो एनालिटिकल मेथड में थीटा था वो यहाँ पर 2 थीटा से रिप्रेजेंट होगा। एनालिटिकल मेथड में प्रिंसिपल प्लेन्स के बीच का एंगल 90 था, यहाँ पर 180 से दिखाया जा रहा है, तो जो भी वहां थीटा था वो यहाँ पर 2 थीटा। आपको मैंने पीछे ये बात बताई कि ये जो हमारा प्लेन है ये टाउमैक्स प्लेन वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन का मैंने इसका उल्टा करके माइनस में करके लिख दिया था, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री, भाई 90 डिग्री तो भाई प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, अगर दो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है उनके बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 45 डिग्री पे हमारा मैच करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एंगल बाइसेक्टर तो आपको दिख ही रहा है भाई, इन दोनों के बीचों बीच में जा रहा है, वहां 45 बन रहा है, यहाँ 90 पे बन रहा है। टाउमैक्स वाला प्लेन प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे नहीं 90 पे बन रहा है, इसका एक्चुअल एंगल कितना है 45 है, दैट इज अ कांसेप्ट, ये कांसेप्ट है। अगली बातचीत ये है कि टाउमैक्स के जो दो प्लेन बनेंगे जो दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बोलो हाँ या ना, टाउमैक्स और टाउमिनिमम एक तरीके से अपोजिट साइन है, मुकुल मिला के वहां पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस आपको बराबर मिलेगा। देखो नॉर्मल स्ट्रेस विल बी सेम होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपको बराबर मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट, कभी भी कोई दो परपेंडिकुलर प्लेन लीजिए, इन दो प्लेनों की बातचीत, ठीक है। मान लीजिए ये है सिग्मा वन टाउ वन, ये 180 डिग्री है, यहां पर 180 डिग्री है तो 90 डिग्री हुआ, दो परपेंडिकुलर प्लेन, ये क्या है सिग्मा टू और टाउ टू। बड़े ध्यान से देखिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा टू कहां से कहां तक की वैल्यू है, बोले ये वैल्यू है परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, और सिग्मा वन कहां से कहां तक की वैल्यू है, बोले ये वैल्यू है यहां से यहां तक, ये है। अच्छा आपको ये पता नहीं, जब एंगल लोगे दोनों सेम एंगल होंगे, बोलो हाँ या ना, अगर ये एंगल सेम होंगे तो ये दूरी सेम होगी, ये वाली दूरी सेम होगी तो मतलब ये वाली दूरी सेम होगी तो मतलब ये वाली दूरियां भी सेम होगी, यस। अब देखिएगा आपको कुल मिला के सिग्मा टू का एक कंपोनेंट तो यहां से यहां तक का मिला, दिस इज द कंपोनेंट, ये वाली वैल्यू, और एक वैल्यू मिली है आपको यहां से यहां तक की, बोलो हाँ। इन दोनों को आपस में जोड़ो, रहो इन दोनों को आपस में क्या करो, जोड़ो। अच्छा सर, इन दोनों को आपस में क्या करो, जोड़ दो, ठीक है, करते हैं। एक्चुअल में क्या है, इस वाली दूरी को एज्यूम कर लो इस तरफ, ये दोनों सेम ही तो है, ये वाली इसको एज्यूम कर लो इस तरफ, तो क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ो तो कुल मिला के आप एक डायामीटर ले रहे होंगे, डायामीटर बोलो हाँ या ना, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ले रहे होंगे, और साथ साथ में इस वाली दूरी का दुगना ले रहे होंगे, सिग्मा पी टू का दुगना, ये सुनो, सिग्मा पी टू का दुगना, इस तरीके की बातचीत कर रहे हो। जब इन दोनों को जोड़ोगे, जब इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो डायमीटर बाई टू रेडियस आ जाएगा, डायमीटर बाई टू क्या जाएगा, रेडियस, और उसके साथ में सिग्मा पी टू आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, रेडियस और सिग्मा पी टू साथ में आ जाएगा। अब जरा सर्कल को फिर से देखो, बिगाड़ रहा हूं, ये बताओ सिग्मा पी टू तो ये पॉइंट है, सिग्मा पी टू ये लाइन है, यस, और रेडियस कहां आएगी, इसके सेंटर तक। जो मैंने ये लिखा है क्या वो ये दूरी है, यस, जो मैंने लिखा है क्या वो ये दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, सेंटर की दूरी। बार बार किसी भी दो प्लेन के लोग यही निकल करके आएगी, पहले हम लोग यही दो प्लेन लेते हैं, सिग्मा पी वन और सिग्मा पी टू के बारे में देख लेते हैं। देखिए सिग्मा पी वन और सिग्मा पी टू बाई टू करिए, ओके। सिग्मा पी वन का मतलब क्या है, सिग्मा पी वन का मतलब ही यही है कि डायमीटर, ध्यान से देखिए, सिग्मा पी वन का मतलब क्या है, अब कौन से ले रहे हैं, दो परपेंडिकुलर प्लेन ले रहे हैं, एक ये प्लेन एक ये प्लेन, सिग्मा पी वन का मतलब है ये भाई यहां से यहां तक की दूरी, इसका मतलब क्या है, सिग्मा पी टू प्लस डायमीटर, बोलो हाँ या ना, सिग्मा पी टू प्लस डायमीटर, और सिग्मा पी टू पहले से बाई टू करिए क्या निकल करके आएगा, सिग्मा पी टू बाई टू, यहां सिग्मा पी टू आ जाएगा और डायमीटर बाई टू रेडियस हो जाएगा। लीजिए फिर से वही आ गया, यहां से यहां तक की दूरी प्लस ये दूरी, कोई भी दो परपेंडिकुलर प्लेन आप ले लेंगे, ऐसे ले लीजिए,
ये छोड़िए, ये ले लीजिए, कोई भी दो परपेंडिकुलर प्लेन कभी भी लेंगे आप तो आपको यही मिलेगा। यस, यहां पे आप लेंगे ये दोनों एंगल सेम, जब ये एंगल सेम है आपके पास तो आपकी ये दूरी और ये दूरी सेम हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी सेम। आप ये स्ट्रेसेस को जोड़ोगे कौन कौन से, बोले एक तो ये वाला, यहां से लेकर के ये दूरी जोड़ दोगे, सम कर दोगे, दिस इज द डिस्टेंस, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी आप ये वाली दूरी जोड़ दोगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ोगे इसको हटा करके, या क्योंकि ये सेम है तो इसको आप यहां तक के मान लोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से देखो सिग्मा बी टू पहले से है, आपकी ये सिग्मा बी टू हो जाएगी प्लस डायमीटर हो जाएगी, बाई टू कर दो तो सिग्मा बी टू प्लस रेडियस आ जाएगी। तो बार बार इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट, हमेशा किसी भी दो परपेंडिकुलर प्लेन में स्ट्रेस जोड़ करके बाई टू करोगे वो वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। इससे क्वेश्चन आ जाता है आपको क्या करेगा पता है, आपको क्या करेगा कि आपको यहां पर जैसे कि टाउ मैक्स प्लेन है, आपको क्या करेगा क्वेश्चन में देखिएगा, बड़ी बदमाशी करेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, यहां पे आपका 60 लग रहा है, यहां पे आपका 30 लग रहा है, ये आपका 25 लग रहा है, यहां से देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं सीधे समझाने के लिए, देखना चाहता हूं कहां तक बात पकड़ पाए आप। ये आपका 25 है, ये आपका 25 है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या ये प्रिंसिपल प्लेन है, यस और नो, नो क्योंकि शेयर लग रहा है, क्या ये मैक्सिमम शेयर है क्या, पता नहीं सर, हम नहीं बता सकते, आपको बताना है स्ट्रेस एक्टिंग नॉर्मल होगी, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन मैक्सिमम शेयर प्लेन, मैक्सिमम शेयर प्लेन, उस प्लेन पर जिस प्लेन पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा, जिस प्लेन पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, उस प्लेन पर जिस प्लेन पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर आप लॉजिकली करोगे, पहले तो क्या करोगे, पहले बोले सर इसमें ये निकाले कि मैक्सिमम शेयर प्लेन होगा कहां, टेन टू थीटा टाउ मैक्स का फॉर्मूला पीछे पढ़ा था ना, अब याद नहीं है क्या, अभी अभी पढ़ा था ये वाला, यहां पढ़ाया था दोनों के फॉर्मूले एक साथ लिखे थे, लोकेशन ये वाला, सॉरी यहां पे मैंने टू थीटा पी कर दिया है, लिख दिया है इसको मैं, टू थीटा पी नहीं, वो तो प्रिंसिपल प्लेन तो ये है, ये क्या है टाउ मैक्स, यस दिस इज द टाउ मैक्स, ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप याद रखिए, यस वी कैन लर्न देम। टेन थीटा पी नहीं है वो आपकी गलत, टेन थीटा टाउ मैक्स है, ये क्वेश्चन है ये आपके पास, पहले तो इस फॉर्मूले को आप लगाओ, फॉर्मूले को लगा करके टाउ मैक्स और ये करके टू थीटा की वैल्यू निकालो, समझो बात, थीटा टाउ मैक्स की वैल्यू निकालो, लोकेशन गलत बात, ऐसा नहीं बोलना बेटा, 45 डिग्री कहां से, 45 डिग्री यहां से, ये 45 डिग्री गलत बात है, ये बहुत बहुत गलत बात है, 45 डिग्री जो होता है वो होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन से या माइनर से, मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन से, क्या ये मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, क्या ये मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, नहीं, तो ये 45 डिग्री एंगल तो मेजर माइनर से होता है, वो क्या बोल रहा है आपको थीटा यही भी निकालना पड़ेगा, थीटा हम लोगों की इक्वेशन जो हम लोगों ने लगाई है वो क्या है, वर्टिकल से एंगल देती है, मेजर माइनर से एंगल नहीं देती है, हमारी इक्वेशन जो हमने पढ़ रखी है दैट गिव्स एंगल फ्रॉम वर्टिकल, वो हमारा वर्टिकल से हमें एंगल दे रही होती है, बोलो हाँ क्लियर है बात वाली, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो थीटा मैक्स निकालोगे इस वाले इक्वेशन को लगा करके, जब ये लगा दोगे तो फिर हमको क्या लगाना है वहां पर, फिर आप थीटा निकालने के बाद सिग्मा की इक्वेशन लगाओगे, कौन सी वही वाली जो अभी पढ़ी थी कि किसी भी प्लेन पर सिग्मा निकालना होगा तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सबसे शुरुआत में बता दिया फॉर्मूला, नेक्स्ट होगा सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, यस प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा,
इसमें थीटा रख करके सिग्मा डैश की वैल्यू निकालो, करोगे? लंबा प्रोसीजर है, इतना लंबा टाइम नहीं होता जिंदगी में अपने पास। यहां देखिए, आपने अभी अभी बोला दो तीन कॉन्सेप्ट होने चाहिए, इसको बिगाड़ना है ना, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। चलिए ये तो मेरे मतलब रहे ना रहे, हमारे साथ ही जाएगा, तो मैं इसको यहां से उठा लेता हूं, अगले पेज पे ट्रांसफर कर देता हूं, यहां पे रख देता हूं। ये हो गया, ठीक है। अब बातचीत यहां पर ये है, इसमें जो समझने वाली बात ये है, हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक ये पता है कि टाउ मैक्स जो प्लेन होते हैं दो, टाउ मैक्स के दो प्लेन होंगे, एक मेजर मतलब जहां पे मैक्स पॉजिटिव वैल्यू, एक मैंने नेगेटिव वैल्यू होगी, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस सेम होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करके भी आप ये बोल सकते हो नेचर, मतलब कंप्रेसिव टेंसाइल, ये अभी देखा आपने भाई। टाउ मैक्स वाले प्लेन पर यहां पर और यहां पर सिग्मा की वैल्यू भी सेम है और एक ही तरफ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक इस तरफ है एक उस तरफ है, मतलब कि ना पॉजिटिव निगेटिव सेम, मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर, बोले ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ओके डन। नेक्स्ट क्या आपने सीखा, नेक्स्ट आपने सीखा है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर प्लेन, टू परपेंडिकुलर प्लेन आप ले लो, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, स्ट्रेस इनवेरिएंट का, इनवेरिएंट का मतलब जैसे कि दो परपेंडिकुलर प्लेन यहां पे दिख रहे हैं, बोले हाँ, इनमें क्या स्ट्रेस लग रहा है, बोले 60 लग रहा है, और दूसरे वाले पे कितना लग रहा है, 30 लग रहा है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। कहां पहुंचा दिया इसने, वही वापस से सेंटर तक पहुंचा दिया इसने हमको, यस। और हम लोग एक और कौन भाई, और हम लोग दूसरा ऑप्शन भी लगा सकते हैं, बराबर होगा, बोले क्या, जो टाउ जो स्ट्रेस जो दो परपेंडिकुलर प्लेन टाउ मैक्स वाले होंगे उन पे जो शियर लगा जो लग रहा होगा नॉर्मल स्ट्रेस, वो सेम नेचर का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ये भी तो परपेंडिकुलर है दूसरे के, ये यहां मोर सर्कल में आप देख रहे हो, एक्चुअल में 180 दिख रहा है पर ये है तो 90 डिग्री पर एक्चुअल में, तो दोनों के वैल्यू सेम है, तो हम लोग आप लिख सकते हैं सिग्मा प्लस सिग्मा बाई टू, और इनसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 sigma by 90 मतलब 45 आ जाएगी आंसर, बिना कुछ करे डायरेक्टली हम लोग आंसर यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर, यस। बढ़िया क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आते हैं इसमें, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते, if you have any queries, if you have any doubts, you can ask. ठीक है, these are the concepts. तो आप more circle, stress invariant, फिर ये जो stress पढ़ा है इसी में strain के concept आ जाते हैं, अगर हम लोग strain के पढ़े, strain में क्या होता है कि हम लोग जो angle measure कर रहे होते हैं, angle का measurement हम लोग कर, जैसे यहां vertical से करते हैं, वहां पे horizontal से करते हैं, हॉरिजॉन्टल से, ध्यान से देखिएगा, जो इक्वेशन है सब कुछ वही, मोर सर्कल में भी सब कुछ वही, बस एंगल का मेजरमेंट यहां पर वर्टिकल से होता है, और स्ट्रेन वाले में स्ट्रेन की जब बातचीत मतलब ईएक्स की इक्वेशन निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लेन पर कितना मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा वो सब बातचीत, तो एंगल का मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल से चलता है, और जहां जहां पे आप टाउ लिखा करते थे वहां वहां पे आप शियर स्ट्रेन लिखोगे, शियर स्ट्रेन जगह पे शियर स्ट्रेन लिखोगे और शियर स्ट्रेन बाई टू आ जाता है, वहां पर क्या जाता है टू, दैट इज अबाउट, और ये लगा करके हम लोग सारी चीजें, मैं भी तो वही 45 बोला था, अबे हमें लगा कि तुम ये 45 डिग्री बोल रहे हो भाई, समझे नहीं बात को, ये आपकी किस्मत अच्छी थी कि ये आपने 45 डिग्री एंगल बोला था बेटा, बोला था कि नहीं बोला था, बोलो कि नहीं हमने मैग्नीट्यूड बोला था, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया था तो ये हम मान लेंगे कि ये सही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आपने बोला था कि टाउ, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि मेजर, यहाँ पे कुछ लिखा था मैंने, ऐसा यहाँ पे कुछ लिख रहा था मैं, यस मैं लिख रहा था कि टाउ मैक्स हमारा किस का एंगल कितना होगा, ये मैंने ये तो पूछा ही था टाउ मैक्स का एंगल कितना होगा, तब आपने 45 बोल दिया था, इसलिए मैंने उसको काटा था। तो अगर आपने 45 इसकी वैल्यू यहां पे ऐसे निकाल दी थी,
ये जाम लगा करके, तो सही है। या फिर 45 निकाल दी थी ये टाउमैक्स निकाल के इसमें रख करके, लेकिन अगर टाउमैक्स आपने डायरेक्ट बोल दी थी ये बोल करके कि भाई ऐसे से ऐसा है तो गलत है, तो मैं अगर आपने ऐसा किया था तो मैं फिर आप यहाँ पे अब क्या आंसर होगा उसका? अब अभी अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करते? और मैं पूछता कि टाउमैक्स हमारा कितना होगा, थीटा टाउमैक्स, तो वो थीटा टाउमैक्स आपका 45 अगर अभी भी आप बोल दो तो भी मैं गलत कर देता। ऐसे ही निकाला था, देन इट इज राइट। अगर आपने ये चीज की थी तो वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पर समझना चाहते थे, और स्ट्रीम की बातचीत हम लोग यहाँ पर ऐसा करें, ठीक है। तो 45 आपका बिल्कुल सही था। तो मैं अपने जो है शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि हमने आपको गलत बोला। सो दैट इज ऑल, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। जो भी बातचीत होगी उसको आप आगे रिफर कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग जब टॉप 50 क्वेश्चंस की बातचीत कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी, और स्ट्रेन स्ट्रेस जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो विल डू न्यूमेरिकल्स। और कल परसों नर्सों की क्लासेस में हम लोग प्रिंस बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और टॉर्सल स्ट्रेस की भी बातचीत कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे। आप प्लस और आइकनिक के सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, यस, और उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। यू कैन रिफर टू ऑल दीज सब्सक्रिप्शन, और मैं आपके लिए जो है अनअकैडमी गेट ESE में आपका प्राइस हाइक होने वाला है, सो डू रिफर इफ यू वांट टू टेक क्लासेस, तो इसको आप रिफर कर लें। और कोड आप रिफर कर सकते हैं GOPP, आपका ऑफर अभी चल रहा है 6+3 मंथ्स का, तो वो आप रिफर कर सकते हैं। अनअकैडमी गेट सी पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। और दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे। थैंक यू एवरी वन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल।